मैसूरू। राखी सावंत के मैसूरू स्थित पति के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में FIR। राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ 5 साल पहले मैसूर में पढ़ने वाली एक ईरानी छात्रा को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में FIR दर्ज की गई। FIR के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह आदिल से मैसूर KVV मोहल्ला में कालिदास रोड पर उसके रेस्टोरेंट में मिली थी, जहां वह अपने दोस्तों के साथ गई थी। वे बाद में करीब हो गए और उसने उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करने का वादा करता है। प्राथमिकी में कहा गया है कि यादवगिरी में एक अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जहां वह रहता था, उसने लगातार उसका यौन शोषण किया और बाद में उसे धोखा दिया। मंगलुरु। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शहर के पुलिस आयुक्त के सामने ADGP आलोक कुमार से शिकायत की कि मंगलुरु पुलिस विभाग में रिश्वतखोरी का बोलबाला है और आम लोगों को कठिनाई का दावा करते हुए न्याय करने के लिए भ्रष्टाचारियों से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंगलोर में पुलिस अधिकारियों के लॉज और सैलून संचालित हो रहे हैं। अगर हम इसकी शिकायत करते हैं तो वे हम पर केस कर देंगे। पुलिस नेताओं के इशारों पर नाच रही है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रसन्ना रवि ने आरोप लगाया कि वे आम लोगों की समस्या नहीं सुन रहे हैं। कुशलनगर। आज मछली पकड़ने गए 2 लड़के कावेरी नदी में डूब गए। मृतकों की पहचान कुडालोर निवासी पृथ्वी और प्रज्वल के रूप में हुई है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर शवों को पानी से बाहर निकाला। बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए कुशलनगर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। कुशलनगर देहात पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायचूर। रायचूर में एक वीभत्स घटना हुई, जहां पत्नी के व्यवहार पर शक करने वाले एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। दर्दनाक घटना देवदुर्गा के जिकलेरा डोडी में हुई और मारे गए बच्चों की पहचान 5 वर्षीय शिवराज और 3 वर्षीय राघवेंद्र के रूप में हुई है। देवदुर्गा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की। बेंगलुरु। जैन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अंबेडकर पर विवादित लघु नाटक को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वथा नारायण ने विभाग के प्रमुख सचिव को इसकी सूचना दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, जैन कॉलेज में कथित घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के संविधान के निर्माता है, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। अगर ऐसे व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बेंगलुरु। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 5 दिनों तक चलने वाले एयरो इंडिया एयर शो 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज बेंगलुरु पहुंचे। HAL हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद लिम्बावली और अन्य ने राजनाथ सिंह की अगवानी की। कर्नाटक। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के खिलाफ अपने अभियान में बदलाव करते हुए कांग्रेस 16 फरवरी से कर्नाटक में सभी घरों का दौरा करने और अपने वादों के लिए गारंटी कार्ड पेश करने के लिए नॉक द डॉ कार्यक्रम शुरू कर रही है। पार्टी ने अभियान के लिए अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, जिसके 10 मार्च तक समाप्त होने की उम्मीद है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और परिवार की महिला मुखियाओं को ₹2000 प्रति माह देने के अपने वादे के बारे में बात करने के लिए जब वे सत्ता में चुने जाते हैं, वे बोम्बई सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी बांटेंगे। बेंगलुरु। सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर चुके कन्नडिगा S. अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है।